हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइवी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है, जितने भी मेरे फ्लावर प्लांट्स हैं वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, और बड़े ही खूबसूरत हैं। और जो मैंने ख़रीदे वो भी, और जो मैंने पुराने हैं मेरे वो भी, मैं सभी को दिखाने वाली हूँ। और मैं अपना कृष्ण कमल दिखाती हूँ। ये रेड कलर का है मेरे पास, और इसको कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्म कमल भी बोलते हैं, और पैशन फ्लावर भी बोलते हैं इसको। कृष्ण कमल तो बोलते ही हैं, नॉर्मली तो कृष्ण कमल ही बोलते हैं। और ये महाभारत के जो पात्र हैं उनसे रिलेटिव बहुत माना जाता है। तो ये कई सारे कलर में आता है, ये मरून भी आता है, और ये तो मेरा रेड है, और वाइट आता है, पर्पल आता है, और कई सारे और भी कलर हैं इसके। और इस वीडियो में मेरी काफ़ी सारे आपको नए फ्लावर भी देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे जो ये खुशबू वाले प्लांट भी मिलेंगे। तो वो मैं काफ़ी सारे आज शेयर करने वाली हूँ आपको फ्लावर प्लांट। एक मेरे पास ये गार्डेनिया का प्लांट है, और इस पर आजकल इतने सुंदर ब्लूमिंग है, और ऐसे लग रहा है जैसे कमल खिले हुए हैं कई सारे। तो ये एकदम वाइट कलर का, जैसे वाइट कमल खिल रहे हो इस तरह से लग रहा है। देखो इसकी कुछ लुक इस तरह का है जैसे कमल के फूल का होता है, और पंखुड़ियाँ भी, और कितने प्यारे प्यारे वाइट और बड़े बड़े फूल हैं भाई। ये देखो इतने बड़े बड़े फूल हैं कि मेरी तीन चार उंगलियों पर आ रहे हैं ये। तो ये देखो, और इस पर इतनी बडिंग जो बड होती है वो देखो कितनी मोटी होती है, और उसी हिसाब से इसका फूल भी इतना बड़ा होता है। और अभी इसकी पूरी जो है बड खुली नहीं है अभी, तो ये भी है बंद है, ये भी अभी कई सारी हैं इस पर। और इतने बड़े बड़े देखो फूल भी इस पर कितने सारे इस पर बने हुए। और ये खुशबू वाला प्लांट है, काफ़ी खुशबू देता है, और जैस्मिन भी, कैप जैस्मिन कहते हैं इसको। और कितना, और ये मैं काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रही थी। ये कम से कम डेढ़ दो महीना तो इसकी कली बनने में ही लग जाता है, और इस समय अप्रैल में इसमें फूल आता है। और ये सबसे पहले ये फूल आया था, ये देखो इसका, तो ये हल्का सा पीला पड़ गया, लेकिन कई दिन हो गए इसके, चार पाँच दिन खिले हुए हो गए, और उसके बाद ये खिला, ये सारे एक के बाद एक खिलते चले गए, और कितनी खूबसूरत लगी है। और ये पूरा मैंने छायादार में ही रखा, मैंने पूरा विंटर इसको छाया में ही रखा है, और इसकी कलियां मगर एक भी नहीं गिरी। अगर हम इसको धूप में रखते हैं तो इसकी कलियां निकल जाती हैं, इसलिए इसको छायादार जगह में ही रखी, फूल के बाद भी, और मैंने तो पहले भी इसको पूरी छाया ही दे रखी। तो मैं ये प्लांट दिखाती हूँ अपना, ये पैनी कुलता भी बोलते हैं इसको, और मुरैया का प्लांट भी बोलते हैं मुरैया। और इस पर आजकल इतना फूल, इतना खुशबू वाला फूल आ रहा है, ये देखो इस पर चारों तरफ से इस पर बडिंग भी बन रही है, और फूल भी बन रहा है, और काफ़ी ये बूशी भी लग रहा है, काफ़ी बूशी प्लांट है। और इसमें छोटी छोटी ढेर सारी पत्तियां हैं इसमें, तो कितना, इधर दूर से दिखाती हूँ मैं कितना घना प्लांट है ये मेरा, और इसमें बहुत खुशबू है, और ऐसे आंगन महक जाता है इसकी खुशबू से। अगर इसे हिलाओ तो इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल, गुड स्मेल इसमें से महसूस होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है ये। और मैं तो इसके आसपास ही घूमती रहती हूँ। तो ये देखो कितना प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल आ रहे हैं इस पर। और इस पर पहले तो मैंने ये थोड़ा धूप में रखा था, लेकिन आजकल की अप्रैल की जो है धूप काफ़ी तेज़ हो गई है इस समय पे, तो अब मैंने इसको छायादार जगह में रखी है। रडार मचेरा है इस प्लांट का नाम, और इस पर भी देखो कितनी अच्छी ब्लूमिंग है, और कितनी प्यारी इस समय काफ़ी सारी है। पहले मैंने दिखाया था तो बहुत कम थी, अब इस समय देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ग्रीन पत्तियाँ और वाइट का और हल्का सा येलो कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक ये गालफिनिया ग्रेसिल्स, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, येलो कलर और ग्रीन पत्तियाँ, और इस पर फूल ज़्यादा आते हैं, इसे हम धूप में रख सकते हैं। और इसमें जितना धूप में रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे मई जून की बाद में, तो इसको थोड़ा मॉर्निंग की धूप दो, वैसे ये धूप में ही रखा जाता है, और जितना धूप देते हैं उतना ही ये इसमें फूल आते हैं और पत्तियां कम आती है। तो ये भी मुझे एक यूनिक लगा, ये भी बहुत कम। किसी बीबर्स ने मेरे पूछा था कि आप ये फ्लावर कहाँ से लेते हैं, सूर्य नर्सरी ऋषिकेश में कहाँ पर है, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने बड़ा प्यारा सा कॉमेंट दिया था, वैसे तो सभी बीबर्स मेरे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, और उन्होंने पूछा था ये कहाँ है। ये सूर्य नर्सरी ऋषिकेश की सूर्य नर्सरी, ये भरत विहार में है, पीजी कॉलेज के पास, और हरिद्वार रोड पर है, और भरत विहार का बोर्ड जैसे ही दिखता है उसके एकदम ठीक सामने नर्सरी पड़ती है। और एक ये है जेरेनियम का, ये रेड कलर है, और वैसे डार्क है रेड,
लेकिन इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। और एक ये है मजेंटा कलर का, इसमें भी नई नई बंच बन रही है अभी। और ये बिल्कुल अब छाया में रखा जाएगा, क्योंकि मैंने भी छाया में रखे हैं, ज़्यादा धूप से ये इसके फ्लावर भी ख़राब हो जाते हैं और ये प्लांट भी सूख जाता है। और पानी तो अब रोज़ ही देना है इसकी मिट्टी चेक करके। एक ये है, ये बिना वेल वाला है, बिना क्रीपर वाला, ये गमले में लगा हुआ है और इसमें भी काफ़ी सुंदर ब्लूमिंग थी इस पर। और अब कम हो गई है लेकिन बड्स बन रही है तो फिर दोबारा से इस पर। और ये क्रीपर वेल वाला जेनेनी में, ये वैसे मैरून कलर है, ये देखो इस तरह का। और इस पर कितने सारे बंचेज आए हुए हैं और सभी में फूल आ रहे हैं इसमें। ये वेल वाला है और बड्स भी हैं। और ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर। तो ये भी मेरे पास कई सारे हो गए हैं। और आजकल ये समर के प्लांट, ये जीनिया का प्लांट है, येलो कलर का है फ्लावर इस पर। और ये रेड कलर का था, तो ये देखो काफ़ी पुराना हो गया, इतना बड़ा फूल आया था। और ये पहले इस कलर में था, जो नीचे वाली लीफ है इसकी, तो इस पर भी काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं मेरे। बाकी तो छोटे छोटे, और ये सबसे बड़ा था, पहला फर्स्ट फूल जो था। और एक मेरे पास ये है जेरेनियम, तो वो सॉरी जीनिया, तो एक ये मजेंटा कलर है, तो इस पर भी काफ़ी सुंदर फूल आया हुआ है। और इधर छोटे छोटे अभी बन भी रहे हैं इस पर, तो ये भी आप गर्मियों में ले सकते हैं समर प्लांट, ये भी बहुत अच्छा है फ्लावर के लिए। और एक मेरा ये कोसमोस है, और इस पर देखो कितने सारे कल फूल आए थे, तो सारे ये सूखे हुए, ये सब मैं निकाल दूँगी। और अच्छा ये तो आप कटिंग से तो नहीं तैयार करने में फ़ायदा, इसमें ये सीड्स जो बनते हैं, इसके सीड्स जो है 3-4 दिन में ही आजकल सूख के तैयार हो जाते हैं विंटर में। जैसे देखो ये निकल गया है, ये बनने लगे, काले काले हो जाते हैं इस तरह से, इसके अंदर से काले काले निकलेंगे। अभी थोड़ा सा सूखने में कमी है इसमें, तो एकदम बनते हैं और अपना आप ये झड़ भी जाते हैं और प्लांट में अपना आप ही जम जाते हैं, उसमें प्लांटर भी। तो ये जो है सीड्स से इजी टू ग्रो हो जाते हैं। तो और ये देखो एक कलर ये है, ये भी खूबसूरत कलर। और एक ये है, इस पर काफ़ी सारे फूल थे, देखो ये सारे सूख गए, अब इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और ये बड्स बनी हुई है नीचे काफ़ी सारी, तो ये भी ले सकते हैं गर्मी में, इसमें भी ये फूल काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये मेरे पेंटास की, ये देखो 3 कलर है मेरे पास, कितनी अच्छी सुंदर सी ब्लूमिंग है इस समय। एक ये है और एक ये है और एक मेरे पास ये मैरून कलर का है, ये देखो कितना खूबसूरत फ्लावर है इस पर। और इनको अब बिल्कुल हम छायादार जगह देंगे, इनको पेंटास को भी, नहीं तो धूप में क्या होता है इसका फूल जो है ख़राब हो जाता है, सूख जाता है जल्दी और पत्तियां भी झड़ने लग जाती हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल छायादार जगह में रखेंगे। और पानी तो चेक करके देंगे, वैसे तो रोज़ ही देना है। ये वाइट कलर का मॉसरोजा, तो ये भी देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, इसमें वाइट कलर और अंदर से पीला, और कई सारे हैं अभी। ये पीले कलर का आमिर और मोस रोज में देखो ये शाम को भी खिले हुए हैं, इस समय शाम है, 6 बज चुका है, तो उस समय भी देखो ये फूल खिले हुए हैं। ये हाइब्रिड जो वैरायटी होती है, इस पर 2 दिन तक फूल खिला रहता है, और कितना खूबसूरत है। और ये वास्तव में मोस रोज, किसी ने सही नाम रखा इनका। ये देखो प्लांट तो छोटा है, ये हाइब्रिड जो होते हैं, और देखो फूल में कैसे भरा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है, वास्तव में ऐसे लग रहा कि हाँ जैसे रोज फ्लावर होते हैं। और एक ये वाला कलर है डार्क, और एक ये थोड़ा सा लाइट है, अनियन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, ये भी खूबसूरत है। और कई सारे हैं मेरे पास, और मेरे पास इस तरह का सिंगल पेटल के तो बहुत सारे हैं, अभी खिलना ये स्टार्ट हुए हैं, तो काफ़ी सारे हैं मेरे पास। तो ये जब खिलेंगे फिर मैं इनको आपको दिखाने वाली हूँ, इतने सारे हैं देखो, ये हैं बहुत सारे हैं। और ये भी अपने गार्डन में खूबसूरत प्लांट में से है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसके भी देखो कलर रंग कितने अच्छे लगते हैं इसके गजानिया के, बहुत ही सुंदर कलर रंगों में आते हैं। मेरे पास सारे ही, ज़्यादातर सारे ही कलर रंग हैं। ये खिले हुए 3 फूल इसमें बड़े बड़े हैं ये, और ये येलो कलर का एकदम प्योर वाइट है, और कितना खूबसूरत है, ऐसे नग जैसे रखे हैं इसमें बीच में भी, और कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा नज़दीक से कितना सुंदर लग रहा है। और एक ये थोड़े छोटे हैं,
मगर इनकी जो पत्तियाँ हैं, जो पत्तियों की सेप है ये पॉइंटेड, ये बहुत खूबसूरत लगती है। और है ये भी येलो कलर, लेकिन इसमें ये डॉट डॉट है। और एक ये है, मेरे पास कई सारे कलर हैं और सारे कितने खूबसूरत कलर हैं। और एक ये फ्लावर प्लांट है जरबेरा का, ये कुछ अलग कलर है, ना मैरून है, ना बैंगनी है, ना मजेंटा है, कुछ मिक्स है दो तीन कलर का। और डबल शेड में है, अंदर से इस तरह का है। और इसमें कई सारी देखो बर्ड्स भी बनी हुई है, आजकल ये नर्सरी में काफ़ी आ रहे हैं, ले सकते हैं इसको भी। एक बड़ी सी बर्ड्स इधर है। और अफ्रीकन डेजी पे भी देखो अभी बने हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल। और एक ये है, इनको वैसे बड़ा ही प्लांटर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैं अपना ऑरेंज कलर का ये देखो हिबिस्कस दिखाती हूँ गुलाब, ये कितने बड़े बड़े फूल हैं इस पर। और एक ये है, एक ये है। और यहाँ धूप हो रही है इसलिए थोड़ा सा मुझे भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। और एक ये है, और एक ये है, चार फूल खिले हुए हैं। प्लांट इतना सा है और काफ़ी बड़े बड़े फूल होते हैं इस पर। और मेरे पास कई सारी वैरायटी हैं। एक ये है मेरे पास हिबिस्कस का, और ये ऐसा लगता है जैसे सिल्की कपड़ा होता है, कुछ इस टाइप से होता। और ये कलर भी इसमें बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए नज़दीक से मैं दिखाती हूँ, और अंदर से ये कितना खूबसूरत है। अगर आपने भी इतना बड़ा फ्लावर देखा है हिबिस्कस का तो कमेंट ज़रूर करें। एक मेरे पास ये वाला हिबिस्कस है, कितना प्यारा सा है, येलो कलर का है। और ये डबल पेटल में है, भरा हुआ बिल्कुल। और इसमें कम से कम दो दिन पहले ये इस तरह खिलता है, और तब जाके तीसरे दिन इस तरह फ्लावर इसका पूरा खुलता है, तो ये भी खूबसूरत लगता है। और मेरे पास एक इसमें ये कलर भी बहुत ही प्यारा है, मजेंटा कलर है और काफ़ी खूबसूरत। इसमें भी बहुत सारे कलियां थी पहले, तो काफ़ी सारी खिल गई और अभी नए नए भी बन रहे हैं। कई सारे हैं मेरे पास, सभी मैं आपको दिखाती हूँ। और भी अच्छा, हमारे प्लांट पे जितनी भी गली सड़ी पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ हो तो उनको निकाल दें, और गमलों को बिल्कुल ऐसे साफ़ कर दें, और इनकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दें, और इनको थोड़ा थोड़ा बर्मी कंपोस्ट भी दे दें। अगर आपके पुराने प्लांट हैं तो एक महीने में मैं दो बार देती हूँ इनको गुड़ाई करने के बाद, तो आप भी ऐसे देते रहोगे तो आपके भी इसी तरह चलते रहेंगे। और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फंगस लग जाती है इन पर। अगर हम इनकी सफाई नहीं करेंगे यहाँ से पत्तों की, तो इन पे क्या होता है, बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, छोटे छोटे वो जो होते हैं इंसेक्ट वो लग जाते हैं। तो सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है गार्डन की।